अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑफिशियल उस्ताद। तो आज हम रिव्यू करेंगे ओरिएंट इन्वर्टर एसी के रिमोट का। तो ये हमारे पास ओरिएंट का रिमोट है। तो इसमें सबसे पहले ये जो ऑन ऑफ का बटन लगा हुआ है, यहाँ से आपने एसी को ऑन और यहाँ से ही आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। और ये ऑफ हो गए और यहाँ से आप इसको ऑन कर लें, ये ऑन हो गया। उसके बाद ये साइड पे मोड का बटन है, जहाँ से आप अपने ये एसी के डिफरेंट मोड सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हीट मोड पे है ये अभी आप ये फैन मोड पे, और इसको आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटो मोड पे है। एसी ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर को डिटेक्ट करके कूलिंग करता है, और ये इस वक्त कूल मोड पे है। और ये जो साथ में एरो के निशान नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप अपना टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं और नीचे यहाँ से आप अपना टेम्परेचर कम कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे स्पीड का बटन है, ये बेसिकली फ़ैन की स्पीड है, जो आप यहाँ से ये भी लो पे है, ये मीडियम, और ये प्रेस करेंगे तो हाई स्पीड पे है। तो यहाँ से आप अपने फ़ैन की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। ये नीचे स्विंग का बटन है, इसमें दो स्विंग के बटन है, जिसका मतलब ये है कि इसमें फोर टीयर स्विंग है। इसमें दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दो वर्टिकल डायरेक्शन में। ये जो बटन है ये वर्टिकल डायरेक्शन में स्विंग है, जो ऊपर नीचे जो बाहर की ग्रिल लगी होती है उसकी जो एयर डायरेक्शन है उसकी स्विंग है। तो इसके बाद ये टाइमर का बटन है, यहाँ से आप अपने एसी का टाइमर ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। और ये जो आपके एरो के निशान है, यहाँ से आप अपना टाइमर जो है ना वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो नीचे स्विंग टू का बटन है, ये बेसिकली एसी के जो अंदर ग्रिल लगी होती हैं उनकी एयर डायरेक्शन का बटन है, जहाँ से आप उनकी एयर की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये नीचे स्ट्रॉन्ग का बटन है, ये बेसिकली कई दूसरे इन्वर्टर एसीज में टर्बो के नाम से भी होता है। बेसिकली ये आपकी एसी की जो स्पीड है उसको मैक्सिमम कर देता है। इसके बाद ये नीचे सीलिंग का बटन, और ये बटन आपको आपके रूम का करंट टेम्परेचर बताता है कि वो उस वक्त क्या चल रहा है। उसके साथ ये क्लीन का बटन आप देख सकते हैं, जिससे एसी जो है वो खुद को ऑटो क्लीन करता है। ये बेसिकली इसके फिल्टर को थोड़ा तेज़ कर देता है और जो ब्लोर है उसको बढ़ा देता है। के साथ ये हेल्थ का बटन है, जिसको प्रेस करने से आपका एसी जो है वो आपको हेल्थी एयर प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब है ये डिफ़ॉल्ट 26 पे ले जाता है टेम्परेचर को, जो ना ज़्यादा कूलिंग हो ना ज़्यादा हीट। उसके बाद ये नीचे स्लीप का बटन है, बेसिकली जब आप सोने लगते हैं तो उसको अगर आप प्रेस कर दें तो आपका जो एसी है वो आपके रूम टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बढ़ाता है, और जिससे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो कम कर देता है। तो ये स्लीप का बटन है। इसके साथ ही ये स्क्रीन का बटन है, जिसे प्रेस करने से आपकी जो एसी की लाइट जल रही होती है एसी के अंदर वो बंद हो जाती है, आप इससे उसको लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ ये नीचे फंगस प्रूफ का बटन है, जिसे प्रेस करने से आपका जो एसी है वो हवा से फंगस और बैक्टीरिया को मारता है, और आपकी जो हवा है उससे फंगस और बैक्टीरिया जो होती है उनको ख़त्म कर देता है। तो ये ओरिएंट डीसी इन्वर्टर एसी के रिमोट का रिव्यू था। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।